उपहार है। एक प्रधानमंत्री ने कबीर निर्वाण स्थली मघार में कबीर के सिद्धांत एवं सुधारों को याद करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष की अवसरवादी राजनीति सत्ता सुख के लिए है और ये समाज में दरार पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा संत कबीर दास ने रूढ़ियों के खिलाफ उठाई आवाज। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की परंपराओं को नया स्वरूप दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को पहली बार मिल रहा है उसका हक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर। आईआईटी कानपुर के 91वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा असफलता से ना हो निराश, देश की नियति बदलने के लिए पड़ा सोचे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए आगामी खरीफ सत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्तम बीज और रासायनिक खाद उपलब्ध है। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। संत कबीर नगर निर्वाण स्थली मगहर में प्रधानमंत्री ने कबीर एकादमी का शिलान्यास किया। कबीर के सिद्धांतों और उनके सुधारों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अवसरवाद की राजनीति पर कहा कि सत्ता सुख के लिए विपक्ष समाज में दरार पैदा कर रहा है। वो धूल से उठे थे लेकिन माथे का चंदन बन गए। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए। जब उतर जाए भाव पारा तब छूटे ये संसारा। शब्द से शब्द ब्रह्म हो गए। घर में पार उतर गया पापी जगना। थी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। 15वीं सदी के महान संत की समाधि पर प्रधानमंत्री का श्रद्धा सुमन समाज की एकता विश्वास और प्रेम के लिए। निर्वाण स्थल मगहर में सामाजिक समरसता का ही प्रतीक है कबीर की समाधि और मजार। प्रधानमंत्री ने दोनों पर चादर चढ़ा संत के सिद्धांतों और आदर्शों को नमन किया। इसी के साथ शुरू हुआ कबीर महोत्सव भी। इस साल कबीर का 620वां प्राकट्य दिवस है तो 500वां निर्वाण दिवस भी। ऐसे में कबीर वाणी को प्रचारित करने और शोध को बढ़ावा देने के लिए संत कबीर अकादमी का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया। उनकी वाणी सर्व पंथ समभाव और सामाजिक समरसता के भाव से इतनी ओतप्रोत है कि वह आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कबीर अकादमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि देश के राजनीतिक दल और खासकर विपक्ष फिलहाल संत कबीर के शिक्षाओं के विपरीत काम कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों को समाज में शांति और विकास नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कलह, उन्हें चाहिए अशांति। गरीबों को झूठा दिलासा देने वाले, समाजवाद और बहुजन की बातें करने वालों का सत्ता के प्रति लालच भी आज हम भली भांति देख रहे हैं। आपातकाल लगाने वाले और उस समय आपातकाल को विरोध करने वाले आज कंधे से कंधा मिलाकर कुर्सी झपटने की फिराक में घूम रहे हैं। ये देश नहीं, समाज नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए चिंतित है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के स्पष्ट इरादे और साफ प्रशासन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वजह यही है कि अकेले उत्तर प्रदेश में केंद्र की जनधन योजना के तहत 5 करोड़ ऐसे लोगों के खाते खुले हैं जो अभी तक वित्तीय समायोजन से दूर थे। पिछले 4 सालों में 125 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है तो वहीं 80 लाख गैस कनेक्शन भी उज्ज्वला के जरिए प्रदेश में दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैकड़ों साल पहले संत कबीर ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसे पाखंड और कुरीतियों पर प्रहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की परंपराओं को नया स्वरूप देने मगहर आए थे। जब तक ये जातिवाद, ये क्षेत्रवाद, ये भाषावाद, ये समाज को बांटने और संकीर्णताओं के दायरे में तोड़ने की दुष्प्रवृत्तियां रहेंगी और जब तक समाज में इस प्रकार का पाखंड रहेगा तब तक समाज और देश विकास नहीं कर सकता। और आज से 600 वर्ष पहले उस पाखंड और उस रूढ़िवादिता पर प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और आज देश और दुनिया के सामने अपने विकास और देश और अपने सकारात्मक रवैये के कारण भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की उन परंपराओं को एक नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और कौशल की तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार पूर्वी उत्तर प्रदेश को उसका हक मिल रहा है। 26 वर्षों से बंद गोरखपुर के खाद कारखाने का भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ करके आज यहां कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस और तमाम अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को ले कोई पूछता नहीं था, लेकिन गोरखपुर में एम्स देकर के बस्ती में जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को स्वीकृति देने और साथ साथ गोरखपुर के ब्यारी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी की स्थापना के साथ साथ इस नए वर्ष में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय को नए मेडिकल कॉलेज के रूप में मान्यता देने और देवरिया में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के 91वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों को आगे बढ़ने की सीख दी। उन्होंने कहा कि असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने छात्रों को सफलता के 4 मंत्र भी बताए, कहा कि बड़ा सोचें, अनुशासन रखें, विनम्र रहें और दूसरों से प्रेरणा लें। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और उपाधि दी। कार्यक्रम में शैक्षणिक खेलकूद समेत अन्य सामाजिक गतिविधियों के मेधावियों को प्रेसिडेंट निदेशक रतन स्वरूप मेमोरियल डॉ शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 186 PhD धारकों को उपाधि दी गई, इनमें 141 छात्र और 45 छात्राएं शामिल रहीं। कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति IIT परिसर में ही स्थित आउटरीच स्टेडियम के लिए निकले और सुपर 30 के बच्चों से मुलाकात की। साथ साथ सरकार, गेल और CSRL का भी आप पर एक प्रकार का ऋण हो गया है। आप सबके द्वारा ये ऋण ना गेल को नहीं चुकाना है और ना ही CSRL को। आप सब समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, जब उस काबिलियत आपको हासिल हो जाए तब की मैं बात कर रहा हूं। वो 3 साल बाद हो सकती है, 5 साल बाद हो सकती है, बट यू ऑल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने एक दिवसीय दौरे पर इलाहाबाद आ रहे हैं। वो तकरीबन 5 घंटे इलाहाबाद शहर में रहेंगे और शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। यहां वो नवनिर्मित कन्वेंशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। मेडिकल एसोसिएशन के नए भवन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस भवन की खास बात यह रहेगी कि यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद दूसरी बार संगम शहर इलाहाबाद आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि
राष्ट्रपति महोदय हम लोगों के अनुरोध पर इलाहाबाद में मेडिकल एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम पहले तो 30 को था कि अब 29 तारीख की शाम को जो उनका प्रोग्राम मिला है वो 5 बजे हमारे सभा स्थल पर आएंगे और 1 घंटे हम लोगों को देंगे। 6 बजे उनके यहां से वापस जाना, तो उनके आने के बाद उनका सबसे प्रथम का स्वागत, प्रथम नागरिक का स्वागत होगा। उनको इलाहाबाद नगर से और हमारी आईएमएस रिलेटेड एक स्मारिका उनको भेंट की जाएगी और तत्पश्चात वो हमारे शताब्दी समारोह में के वर्ष में एक स्मारिका के रूप में एक डाक टिकट का अनावरण भी करेंगे, उसका शताब्दी समारोह के फर्स्ट डे कवर का अनावरण होगा। और उसके बाद हमारी बिल्डिंग का जो ये नया कॉन्वेंशन सेंटर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है इसका लोकार्पण भी राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात उनका एक भाषण होगा, हम लोग सब उनके भाषण से गौरवान्वित होंगे और 6 बजे उनका यहां से वापसी का प्रोग्राम है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने दूरदर्शन के साथ एक खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए आगामी खरीफ सत्र के लिए उत्तम बीज एवं पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध है। किसान जब चाहें और जितनी मात्रा में चाहें उसे ये दोनों चीजें उपलब्ध होंगी। आज बीज और खाद की उपलब्धता को हम इतना निश्चित सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब उसकी डिमांड हो तो खाद मिल जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में आज खाद की स्थिति हमने ये बना लिया है, जितनी उत्तर प्रदेश का एक टारगेट बनाया गया कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख मेट्रिक टन खाद चाहिए तो हमने 15 लाख मेट्रिक टन खाद की व्यवस्था करके रखी है। ऐसे इसी 5 लाख मेट्रिक टन एडवांस में व्यवस्था, हाँ बिल्कुल, उसकी पहले से ही व्यवस्था करके रखी। ऐसे बीज, उस बीज का उपयोग कर रहे हैं जो बीज सब कहीं से उसको देखते हैं, किसान के लिए तुरंत लाभकारी हो और वो अच्छा बीज हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अलीगढ़ जनपद के गांव की तकदीर और तस्वीर बदल गई। ये सब हुआ हमारे देश के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। अभी तक यहां सैकड़ों गांव ऐसे थे जहां पक्की सड़कें नहीं थी। कुछ गांव ऐसे थे जिनमें सड़कों पर पानी भरा रहता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव का विकास हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पीआईयू अलीगढ़ द्वारा शुरू से अब तक 178 करोड़ की धनराशि से 131 सड़कों का निर्माण कराया गया है जिनकी कुल लंबाई 591 किलोमीटर है। 118 सड़कों के अब तक 5 वर्ष के अनुसरण के उपरांत पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किया जा चुका है। प्रारंभ से अब तक 356 हैबिटेशन को जोड़ा गया है, यानी 356 गांव लाभान्वित हुए हैं अथवा उच्चीकरण किया गया है। वर्तमान में 13 सड़कों पर मेंटेनेंस कार्य प्रगति पर है। 5 सड़कों का चित्रण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। सभी सड़कें पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन के अनुसार निर्मित की गई हैं, जिससे किसान बहुत खुश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पीआईयू अलीगढ़ द्वारा प्रारंभ से अब तक 178 करोड़ की धनराशि से 131 सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी कुल लंबाई 591 किलोमीटर है। 118 सड़कों को अब तक 5 वर्ष के अनुरक्षण के उपरांत पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किया जा चुका है। प्रारंभ से अब तक टोटल 356 हैबिटेशन को जोड़ा गया है अथवा उनका उच्चीकरण किया गया है। वर्तमान में 13 सड़कों पर मेंटेनेंस का कार्य प्रगति में है, 5 सड़कों का उच्चीकरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है। सभी सड़कें पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन के अनुसार निर्मित की गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बनी, चल नहीं सकते थे इस रास्ते पे और आज हम बहुत अच्छी रास्ता हो गया है, खूब तेजी से जा सकते हैं आराम से, खेतों पर से भी अनाज लाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ हमारे यहाँ कोई परेशानी हो जाती, किसी को बुखार आ गया, कोई मरीज है तो यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी और आज ये सड़क बनने से हमें ये बिल्कुल हर गाड़ी यहाँ आ सकती है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ने जा सकते हैं। और हमें लग रहा है कि आगे ये जो सड़क बनी है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, तो यहाँ हो सकता है कि रोडवेज की भी सुविधा हमें उपलब्ध हो जब हमारी सड़क बनी है, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम करा है और पहले हमें बहुत परेशानी होती थी, टाइम बहुत बच गया सड़क से और पहले बहुत समस्या होती थी, कीचड़ में गिर जाते थे, पड़ने जाते थे, तो अनाज अब मंडी को ले जाते हैं सीधे, अब कोई समस्या नहीं होती है, बहुत समय बच गया है उस वजह से।
मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान के कुक्कुट विभाग के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यहां किसान मुर्गी पालन कर व्यवसाय कर दोगुनी आय कर सकते हैं। यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान के कुलपति प्रोफेसर के एम पाठक ने दूरदर्शन को बताया कि किसान भाई कम लागत लगाकर मुर्गी पालन कर रहे हैं और उन्हें काफी इजाफा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों से अपील की है कि विकसित उन्नत प्रजाति श्यामा निर्भीक उपकारी तथा हितकारी का प्रयोग करें। इसके पालन में आने वाले व्यय की भरपाई पांचवे महीने में मुर्गा बेचकर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक चीन और अमेरिका के बाद है। कुक्कुट क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी अंतर है। इस प्रकार घरेलू मांग को पूरा करने के वास्ते अंडों के उत्पादन में 4 गुना तथा मीट के उत्पादन में 6 गुना किए जाने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपनी आमदनी दुगनी करने के लिए मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाइए। ये व्यवसाय बहुत फायदेमंद है, साथ ही साथ हमारे आपको पैसे भी मिलते हैं, इसमें से आपकी आमदनी बढ़ती है और भी व्यवसाय अगर आप खेती कर रहे हैं तो एक साथ में मुर्गी पालन भी आप कर लोगे तो आपकी आमदनी निश्चित रूप से दुगनी हो जाएगी। और आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी इसका मतलब है कि आप खुशहाल हो गए और किसान खुशहाल हो जाएगा तो हमारा देश भी खुशहाल हो जाएगा। आज की तारीख में भी अगर कोई हमारा किसान भाई है जो अपना खेती कर रहा है वो अपने घर के पिछवाड़े पे, अब पिछवाड़े वाली तो नहीं परंतु कुछ थोड़ा औद्योगिक स्तर पर मुर्गियों को रख सकता है और थोड़ी सी ही लागत से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अपना जो है खेती करते हैं उससे कुछ बच्चों का रोजगार चल रहा है, थोड़ा सा धंधा भी है, बिजनेस भी हमारी मुर्गी पाल रखी है और उनमें से जो अंडा वगैरह निकलते हैं वो बच्चों को खिलाते हैं और कुछ जो है पेट में जो खाने में जो बच जाता है कचरा उसको मुर्गियों को दे देते हैं, तो इससे छोटा सा रोजगार भी चल रहा है साथ साथ। सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सुदूर पहाड़ी अंचल में स्थित पहली सिंचाई परियोजना धंधरौल बांध के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोनभद्र के सदर विधायक भूपेश चौबे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसानों ने धंधरौल बांध पहुंचकर इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए पूजा पाठ कर ईश्वर से कामना की और दीपदान किया। करीब 6,000 एकड़ में जल धारण की क्षमता रखने वाले इस बांध का निर्माण मई 1913 से 1917 तक चला और 28 जून 1918 को किसानों को सिंचाई के लिए समर्पित कर दिया गया। इस बांध से न सिर्फ सोनभद्र के 55,000 हेक्टेयर भूमि बल्कि मिर्जापुर के 32,000 हेक्टेयर भूमि की भी सिंचाई होती है। सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि यह बांध हमारे लिए एक गौरव है जो कि जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का बेमिसाल उदाहरण है। हमारी रूप से पानी की सिंचाई हम कर लिए फिर भी हमारा कुलावा और माइनर चल रहा है, हम उसके लिए जागरूक नहीं है। जो सोनभद्र और मिर्जापुर के लगभग 45,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की क्षमता रखने वाला यह बांध आज से 100 वर्ष पूर्व बन के तैयार हुआ था। हम सब किसानों के लिए यह गर्व का विषय है। इस धंधरौल बांध से निकलने वाली नहरें सुरक्षित हों, जिस खेत तक जो लक्ष्य था पानी पहुंचाने का वहां तक पानी पहुंचे और धंधरौल बांध जीवन पर्यंत सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसके संकल्प के लिए आज यहाँ किसान गोष्ठी किसानों की समस्या के समाधान के लिए और दीप दान कर इसके संरक्षण का संकल्प इस क्षेत्र के किसानों के द्वारा आज लिया गया। एक बार फिर डीडी न्यूज यूपी की खबर का असर हुआ है। इंटरनेशनल प्लेयर कराटे प्लेयर अमनपाल राठौर की खबर को डीडी यूपी पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद सामाजिक संस्था और बुद्धिजीवी लोगों ने अमन की मदद की है। 30 जून को होने वाली इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप खेलने के लिए अमन अब मलेशिया जा रहे हैं। मदद पाकर अमन का परिवार और उसकी मां काफी खुश हैं। अमन ने डीडी न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उसकी मदद की है वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश और बरेली का नाम रोशन करेगा। वहीं अमन की मां हेमलता बेटे के सपने को पूरा होते देख काफी खुश है और वो चाहती कि अमन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरे और गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करे। अमन पाल राठौर ने श्रीलंका में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है।
मैं सबसे पहले TD न्यूज़ का बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मेरी काफ़ी उन्होंने हेल्प करी एंड जो ये मेरी जो हेल्प हुई है इससे मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। सर मैं इस बार मेरा पक्का है कि मैं खेलने जाऊँगा, कल मैं सुबह ही निकल जाऊँगा, मेरी फ़्लाइट की टिकट एंड जो ट्रेन की टिकट है मेरी सब तैयार है, अब सुबह निकलना है एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा इंडिया से, ये मेरा वादा है कि मैं गोल्ड लाऊँगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मेरे जो बेटा है अब वो जा सकेगा अच्छे से, और मुझे मदद मिली है बाहर के लोगों से भी और यहाँ बरेली के लोगों से भी मदद मिली है, जिनका मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ। न्यूज़ की मदद से, जो है आप लोगों की मदद से, मुझे मीडिया की मदद से आज स्टेडियम से RSO जी ने भी 10,000 की मुझे मदद की, उन्होंने नगद राशि दी जो मैं प्राप्त करी अपने बेटे के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे पास कम से कम 1.25 लाख रुपए आ गया और मैं अपने बेटे को अच्छे से खुशी खुशी अब मैं उसको भेज पा रही हूँ। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया के साथ अब डाक विभाग भी कदम ताल करने लगा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर व अमेठी के 2 प्रधान डाकघरों, 48 उप डाकघरों व 449 शाखाओं के सभी डाकघरों में कोर सिस्टम इंटीग्रेटर एप्लीकेशन का सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे डाकघर डिजिटल इंडिया से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही डाकघरों को हाईटेक व पेपरलेस भी बना दिया गया है। डाक विभाग के प्रशासनिक कार्यालय भी इसी व्यवस्था से जुड़ गए हैं। सुल्तानपुर व अमेठी में CSI सिस्टम पूरा होने पर डाक अधीक्षक SN दुबे ने सुल्तानपुर प्रधान डाकघर से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि CSI लागू हो जाने के बाद अब इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होना है तथा इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना है। जब से ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उन्होंने विशेष फोकस डाक विभाग पर किया है और उत्तरोत्तर विभाग में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। उसी कार्यक्रम के तहत जो है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और CSI लॉन्च हुआ है। CSI जो है पूरे ऑल ओवर भारत में इंडिया में लॉन्च हो गया है। उसी के साथ हमारा जो 26 तारीख यहाँ का रोल आउट था, हम लोग करीबन 1 महीने से इसके प्रिपरेशन लगे हुए थे और अब जो है 26 तारीख के बाद रोल आउट हो गया और धीरे धीरे ये प्रगति पे पकड़ रहा है। इसमें यह है कि अब हमारा जो मैनुअल वर्क होता था वो मैनुअल वर्क समाप्त हो गया है, अब जो है सब काम जो है हमारा ऑनलाइन के तहत ही होगा। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर एप्लीकेशन का सिस्टम लागू होने के बाद डाक ग्राहकों ने खुशी व्यक्त की है। ग्राहक वन्ना शुक्ला ने कहा कि डाकघरों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग काउंटर पर जाना पड़ता था, आज उन्हें सिंगल विंडो पर ही सारी सुविधाएं प्रदान हो गई हैं। वहीं ग्राहक ज्योति सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अभिनव प्रयोग है। ग्राहक विशाल वर्मा ने कहा कि उसने प्रधान डाकघर पर जब ई डाक सेवाओं को देखा तो वह अचंभित हो गया। डाक विभाग में परंपरागत तरीके के जो डिजिटल इंडिया की तरफ से का मोह भंग हो रहा था, मैनुअल कार्य किए जाने से समय का दुरुपयोग होने के साथ पारदर्शिता का भी खतरा बना रहता था, लेकिन अभी जो है कि एक ही काउंटर पे सारे काम हमारे हो रहे हैं, जिससे बहुत एम्प्लॉय मतलब कस्टमर्स को बहुत सुविधा हो रही है इस मामले में। पहले मैं आती थी तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स पे सारे काम होते थे, बट अभी मैं रिसेंटली यहाँ पे विजिट की हूँ तो यहाँ पे एक ही काउंटर पे सारे काम हो जा रहे हैं, तो इससे बहुत आसानी हम लोगों को हो रही है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके, काफी हर्ष की अनुभूति हो रही है। पहले मैं काउंटर पे किसी कार्य के लिए आता था तो मुझे रजिस्ट्री कराने के लिए किसी दूसरे काउंटर पे, जमा निकासी करने के लिए किसी दूसरे काउंटर पे जाना पड़ता था, किंतु आज मैं जैसे ही आया हूँ तो एक ही काउंटर पे मेरी देखिए जो है मैं पैसा भी जमा कर चुका हूँ और मेरी रजिस्ट्री भी बुक हो गई है, तो मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये जो सरकार प्रोग्राम चला रही है डिजिटल इंडिया के थ्रू, तो एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है और मैं आशा करता हूँ कि सफल होगा। TB यानी तपेदिक चूंकि एक संक्रामक रोग है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। TB संक्रमण कैसे फैलता है, TB के रोगी को एक इलाज के साथ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। TB यानी तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो अधिकतर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के दूसरे अंगों में भी हो सकता है। भारत में हर वर्ष लगभग 28 लाख TB के मामले सामने आते हैं और लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु इसके कारण हो जाती है। TB जो एक संक्रामक रोग है, और अगर किसी मरीज को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी के साथ बलगम हो, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार हो जो लो ग्रेड का हो,
और शाम के टाइम होता है। भूख कम लगना, बलगम के साथ खून आना, वजन की कमी होना, वो कभी कभी कोई मरीज अपना एक्सरे लेके आ जाते हैं जिसमें दाग होते हैं। तो इन पांच कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि उस मरीज में टीबी हो सकती है और हमें उसकी टीबी की जांच करनी चाहिए। टीबी की जांच के लिए अब तक हम माइक्रोस्कोपी से करते थे, अब कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट आ गए हैं जैसे सीबी नेट वगैरह टेस्ट आ गए हैं जो फ्रीली अवेलेबल है हमारे टीबी प्रोग्राम में। इनकी मदद से हम अर्ली स्टेज पे टीबी डिटेक्ट कर लेते हैं। यदि टीबी का इलाज सही समय पर न किया जाए तो एक एक्टिव टीबी का रोगी लगभग 15 लोगों को एक वर्ष में संक्रमित कर सकता है। टीबी के रोगी का सही इलाज और कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। तो हम 6 से 8 महीने का दवाई देते हैं। शुरू के फेज में 1 से 2 महीने मरीज को जब भी कभी खांसी करे, इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, जब कभी खांसी करे आए उसको तो मुंह पे कपड़ा रख ले, हाथ रख ले, अगर कपड़ा नहीं है तो मुंह पे कोहनी रख ले अपनी, ताकि उसके बलगम के जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उनसे बलगम से कीटाणु दूसरे को ना फैल सके। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन रखे, क्योंकि जब भी पेशेंट का न्यूट्रिशन कम होता है, इम्यूनिटी कम होती है, तो टीबी होने का डर ज्यादा रहता है। अपना हेल्दी डाइट ले, कोई महंगी डाइट लेने की जरूरत नहीं होती, जो रूटीन में डाइट खाते हैं वही खा सकते हैं, रेगुलर खाए, स्मोकिंग पॉल्यूशन और अल्कोहल इनका परहेज रखे ताकि उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे। स्वच्छता का पालन करना और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना टीबी से बचाव में उपयोगी होता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री की समग्र पोषण की अति महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी विषय पर टेकथान नामक एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर नीति आयोग अध्यक्ष अमिताभ कांत ने एसआईटी मंच के महत्व को सामने रखा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वीरवार को प्रधानमंत्री की समग्र पोषण की अति महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारी विषय पर टेकथॉन नामक एक दिन की संगोष्ठी आयोजित की। द होल पोषण अभियान इज एक्चुअली फाउंडेड ऑन द पिलर्स ऑफ अ रिवाइज्ड पैकेज ऑफ इंटरवेंशन फोकसिंग ऑन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग और प्रौद्योगिकी का उपयोग पोषण अभियान के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। कारगर निगरानी और समय पर कार्यवाही के लिए ICDS CAS यानी कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष रूप से डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है जो सेवा डिलीवरी को मजबूत बनाने और पोषण परिणामों को सुधारने में मदद करेगा। मैं इस मंत्रालय के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, बाकी अन्य विभागों के सहयोग के साथ ही साथ इसको जो जन आंदोलन बनाने की जो बात कही है, इस जन आंदोलन में IIT की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे पहले कभी देश में पोषण को इतना महत्व नहीं दिया गया। अब ये विश्व में सबसे बड़ा ई पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसमें अभी विभिन्न चरणों में 550 जिले शामिल किए गए हैं। 2019-20 तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और 718 जिले शामिल किए जाएंगे। 14 लाख आंगनबाड़ियों में करीब 10 करोड़ लाभार्थियों को इसका फायदा होगा। फीफा विश्व कप में कल खेले गए मुकाबले में जापान ने फेयर प्ले के आधार पर सेनेगल को पीछे छोड़ अंतिम 16 में जगह बना ली है। पोलैंड से 1-0 से हार झेलने के बावजूद जापान अंतिम 16 में पहुंचने में सफल रहा। पोलैंड के लिए एयान ने 59वें मिनट में गोल कर टीम को जीत दिला दी। पोलैंड पहले ही विश्व कप से बाहर हो चुकी थी और कम येलो कार्ड मिलने के कारण जापान की टीम अंतिम 16 में क्वालिफाई करने में सफल रही। फीफा विश्व कप के आखिरी ग्रुप मुकाबले में बेल्जियम ने इंग्लैंड को हराकर ग्रुप जी में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया है। दोनों टीमों ने पहले नॉकआउट में प्रवेश कर लिया था। नॉकआउट में इंग्लैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा तो वहीं बेल्जियम की जापान से भिड़ंत होगी। ट्यूनेशिया ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में शानदार खेल दिखाते हुए पनामा को 2-1 से हरा दिया। ट्यूनेशिया के लिए 91 कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में हुई बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में झमाझम बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए। कल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34.1, कानपुर का 34.4, इलाहाबाद का 36.5, गोरखपुर का 34.1 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी का 33.6, आगरा 35, बरेली का 35 और झांसी का 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कबीर निर्वाण स्थली मगहर में कबीर के सिद्धांत एवं सुधारों को याद करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष की अवसरवादी राजनीति सत्ता सुख के लिए है और यह समाज में दरार पैदा कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा संत कबीरदास ने रूढ़ियों के खिलाफ उठाई आवाज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की परंपराओं को नया स्वरूप दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को पहली बार मिल रहा है उसका हक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, आईआईटी कानपुर के 91वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से कहा असफलता से ना हो निराश, देश की नियति बदलने के लिए बड़ा सोचें। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि किसानों के लिए आगामी खरीफ सत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्तम बीज और रासायनिक खाद उपलब्ध है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।